अरे वाह, मुबारक हो। एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ में, आपको जुड़वा बच्चे हुए हैं। क्या मुबारक हो, मेरे को नहीं चाहिए लड़की वड़की। ए, लड़का अच्छा है ना, साला आफत। हाँ भैया जी सुनो ना, वो आपको अगर लड़की नहीं चाहिए होगी तो इसको हम गोद ले लेते ना, मेरे बीवी को भी कब से बच्चा नहीं हो रहा। क्या बात है, भगवान ने तो मेरी सुन ली। चलो इसके गले में डाल देता हूँ ये आफत। हाँ हाँ ले लो, कोई टेंशन नहीं है। अरे अरे और कितना टाइम, जल्दी लगा यार, भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, आवाज नीचे। अब आप एक कलेक्टर के पापा हो। ओहो, आज तो मेरी कलेक्टर साहिबा बड़ी जल्दी आ गई। जी पापा, आज वो थोड़ा काम कम था इसीलिए। भगवान लाख लाख शुक्र करे इस इंसान का जिसने हमारी गोद भी भर दी और बदले में इतनी प्यारी बच्ची दे दी। मैं उसका शुक्र अदा करने कल उसके घर जरूर जाऊंगा। पापा आप क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। चलो आ गए इनका घर। अरे ये तो बाहर ही बैठे। अरे भैया जी कैसे हो, आप कौन, पहचाना नहीं मैंने। अरे मैं वो कुछ सालों पहले मैंने आपकी बच्ची गोद ली थी ना। अरे हाँ, तो भैया कैसा चल रहा है सब कुछ? एकदम बढ़िया मेरा तो। वैसे आपका बेटा क्या करता है आजकल? अरे पूछो ही मत बेटे का, तो पढ़ाई लिखाई के लिए बचपन से इतना पैसा लगाया उस पे, और वो एक है कि पूरा नशे की हालत में बर्बाद हो गया, और आज हमारा घर बेचने तक की नौबत आ गई। अरे बाप रे, वैसे बच्ची की तो अभी तक शादी वादी हो गई होगी है ना? अरे नहीं नहीं शादी वादी नहीं, शायद आप बच्ची को पहचानते नहीं, अपने जिले की कलेक्टर है। क्या दीप्ति गुप्ता आपकी बच्ची है? जी। चमक उठी हूँ आज एक तेरे ही बदौलत, जख्मों ने तेरे तराश मुझे हीरा बना दिया।